सर, मैं अमेजोन से एक नया प्रोडक्ट खरीदे हैं हमारे एमआई टीवी के लिए। एमआई टीवी में हमारा ऑडियो आउटपुट का दो आर्क है, एक एचडीएमआई आर्क, एक एसपीडीआईएफ पोर्ट है। इन दोनों को हम अपने म्यूजिक सिस्टम में कनेक्ट करने के लिए एक एडेप्टर खरीदे हैं, क्योंकि हमारे एलजी म्यूजिक सिस्टम में एवी आउटपुट इनपुट का पोर्ट है। तो हमारे टीवी में डिजिटल ऑडियो आउटपुट है और हमारे म्यूजिक सिस्टम में एनालॉग ऑडियो आउटपुट है। तो हमें इनपुट तो हमें टीवी को साउंड म्यूजिक सिस्टम में जो डिजिटल ऑडियो आउटपुट को सेंड करेगा, उसके लिए हमने एक एडाप्टर खरीदा। तो चलिए हम इस एडाप्टर को खोलते हैं। हम एडाप्टर का अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। क्या है ये? देखो, ये हमारे बॉक्स में अडाप्टर है और इसके साथ हमारे पास ये एक इसके लिए हमें करंट सप्लाई करने के लिए ये केबल है, जिससे हम करंट सप्लाई करेंगे अडाप्टर में। और इसके साथ हमारे पास आया है टॉसलिंग केबल। टॉसलिंग केबल का हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे टीवी में टॉसलिंग नहीं है, ना हमारे म्यूजिक सिस्टम में नहीं है। तो ये अडाप्टर है, इसमें यहाँ पर इनपुट्स हैं, इसमें इनपुट्स में टॉसलिंग इनपुट है, कोएक्सियल इनपुट है और ये एलईडी इंडिकेटर है। ये आउटपुट है, आउटपुट में ये हमारे एवी इनपुट आउटपुट के पोर्ट है, इसमें हमारा वायर लगाएंगे म्यूजिक सिस्टम वाला। और यहाँ पर ये माइक्रो लिखा हुआ है, ये यहाँ पर चार्जिंग के लिए है। तो हम इसको यहाँ पर जब हम इनपुट डालेंगे, ये आउट इनपुट डालेंगे टीवी का वॉइस, डिजिटल वॉइस को लेके यहाँ पर एनालॉग में कन्वर्ट करके हमारे म्यूजिक सिस्टम में भेजेगा। और इसके लिए हमको हमारे पास टीवी में एसपीडीआईएफ पोर्ट है, उसके लिए हमने एक एसपीडीआईएफ का वायर खरीदा है, क्योंकि हमारा एसपीडीआईएफ वायर नहीं था। ये एसपीडीआईएफ वायर है, ये दोनों हमको अराउंड 1400 में पड़ा है अमेजन से। ये हमारे पास एसपीडीआईएफ या कोएक्सियल वायर है, इसको हम अडाप्टर में कनेक्ट करेंगे और उसके बाद अडाप्टर में ये इनपुट्स में जाएगा ऐसे ये, और फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे। अभी हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। और इसके कनेक्शन के लिए ये तो हम टीवी से कनेक्ट करके अडाप्टर में लगा देंगे एसपीडीआई वायर। इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, ये प्लास्टिक बॉडी है। अब हमारे पास टीवी से कनेक्ट करने के लिए हमको आपको हमारे एमआई टीवी से हमारे म्यूजिक सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए हमको ये एवी इनपुट आउटपुट वायर चाहिए पड़ेगा। आपके पास ये हो सकता है, या फिर अगर आपके पास 3.5 mm का जैक है सिस्टम में, तो हम उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम कनेक्ट करके दिखाएंगे, ये चल रहा है नहीं चल रहा है चेक करेंगे। ये हमारे एलजी का म्यूजिक सिस्टम है, जिसे हम एमआई टीवी से कनेक्ट करेंगे। ये हमारे एमआई टीवी है, तो चलिए अब हम कनेक्ट करते हैं इसे। ये एसपीडीआई वायर को हम लोग यहाँ लगा देंगे और इसको कनेक्ट करंट देने के लिए हमने ये लगा दिया। इसको हम टीवी से ही कनेक्ट कर देंगे। हमारे पास टीवी में यहाँ पर हम पेन ड्राइव जैक लगा रखे हैं, मल्टीपल पोर्ट।
इसको हम टीवी से कनेक्ट कर देंगे। इसमें करंट आया नहीं आया, ये आपको दिख रहा है करंट आया लगा। अब इसको हम कनेक्ट करके देखेंगे। ये एसपीडीआई वायर को हमने टीवी से और एडाप्टर से कनेक्ट कर दिया है और ये कनेक्ट ये वायर करंट पास कर दिया है। अब हम अपने म्यूजिक सिस्टम में कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम में देखो, यहाँ म्यूजिक सिस्टम में इनपुट आउटपुट रहता है। ये दो जो नीचे दिख रहा है इसमें दिखा रहता है आउटपुट। तो हमें म्यूजिक सिस्टम का जो वॉइस है और ऊपर दो इनपुट, तो हमको म्यूजिक सिस्टम में वॉइस को टीवी के वॉइस को डालना है आउटपुट। हमको कनेक्शन, ये वीडियो कनेक्शन है, टीवी में कनेक्शन है। अभी हम यहाँ पर ये रेड को रेड में, इनपुट में, और व्हाइट को व्हाइट में डाल देंगे। ये हमारा म्यूजिक सिस्टम में कनेक्ट हो गया। अब हम इसको अडाप्टर में रेड को रेड में, व्हाइट को व्हाइट में डाल देंगे। ये येलो वाला वीडियो का कनेक्शन होता है, उसकी हमें जरूरत नहीं है। ये हमने डाल दिया, ठीक। अब हम म्यूजिक सिस्टम को ऑन करके चेक करेंगे। टीवी तो क्यों चला, देखो ये हमारे एमआई टीवी है जिसका मैं अनबॉक्सिंग पहले डाल चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं। हमने एसपीडीएफ सेलेक्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे। म्यूजिक लगा, हमारे एलजी का जो साउंड सिस्टम है तो पुराना है। हमारा 7 दिन का रिटर्न पीरियड है, 7 दिन तक हम अच्छी तरह देखेंगे, उसके बाद हम लोग रिव्यू डालेंगे, कमेंट में आपको बता देंगे ये कैसा प्रोडक्ट है। तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा तो जरूर शेयर, कमेंट, फॉलो और लाइक जरूर कीजिएगा। ये इसका जो लिंक है अमेजोन का, जहाँ से हमने अमेजोन से खरीदा, उसका लिंक मैं डाल दूंगी। आपको पसंद आया तो आप जरूर खरीदिएगा। ये प्रोडक्ट तो दिखने में वैसे अच्छी लग रही है। चलिए हम रिव्यू बाद में आपको, 7 डेज का रिव्यू आपको बाद में कमेंट कर देंगे।